नमस्कार, मैं हूं पार्थ। और आज मैं फिर से आपको प्राचीन भारत के दर्शन करने ले चलूंगा। कितना आसान लगता है जब हम किसी चीज को बहुत कम जानते हैं और बहुत ही सुगमता से कोई भी बात हम कह देते हैं। जैसे एक किसी से पूछा जाए कि चाणक्य कौन था, तो बड़े प्रेम से वो कह देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति, चंद्रगुप्त मौर्य का अमात, या चंद्रगुप्त कुछ भी। लेकिन हम जितना ज्ञान की उस सागर में डूबते जाते हैं, उतनी ही ज्यादा बातें गहरी होती चली जाती हैं। उतनी ही किसी भी बात को कहने से पहले सोचना पड़ता है और उतनी ही वो बात गूढ़ होती चली जाती है। मैं इन बातों के भंवर में आपको ना उलझाते हुए सीधे ले चलता हूं आज उस महापुरुष के युग में, जिसने भारत को काम, क्रोध, लोभ, मोह के आगे कुछ सोचना सिखाया, कुछ बोलना सिखाया। उसने राजनीति बताई, क्योंकि उससे पहले भी भारतीय राजनीति थी, लेकिन एक तरह से मृत प्राय हो गई थी। उससे पहले भी भीष्म महान राजनीतिज्ञ थे, उनसे पहले भी शुक्र, उनके पहले भी बृहस्पति, ये सब लोग थे। चाणक्य नीति का जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले बृहस्पति को और शुक्र को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद वो आगे बोलना शुरू करते हैं। आखिर कौन थे कौटिल्य, कौन थे चाणक्य? इसमें बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग बहुत सारे मत हैं। कौटिल्य उनका नाम क्यों पड़ा? मुद्रा राक्षस में भी इसके कई उल्लेख हैं। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा भी इसके कई उल्लेख देते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से भी उनको जाना जाता था। और कहा जाता है कि जो एक सबसे मान्य जो है मत, वो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा जब भारत पे नंद वंश एक तरह से हावी था, उस समय घनानंद और उनके आमात से कुछ मनमुटाव चल रहा था। उनके आमात आमात को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि इस नंद वंश का सर्वनाश कर सके। तो एक दिन वो आमात देखता है कि एक ब्राह्मण है, उसे एक कुश चुभ जा रहा है और वो माठा लाकर उस पूरे कुश को ही समूल नष्ट कर दे रहा है। उसे लगता है कि ये मेरे काम का है। श्राद्ध का समय था और राजमहल में पंडितों को भोजन के लिए बुलाया गया था, जिसमें चाणक्य को उसने बुलाया। चाणक्य काफी कुरूप ब्राह्मण थे, तो जब घनानंद ने देखा कि एक कुरूप सबसे आगे, सबसे प्रधान पद पर बैठकर भोजन कर रहा है, तो वो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि यह चांडाल यहां क्या कर रहा? उसे लगा कि ये कोई चांडाल है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो कुरूप ब्राह्मण थे। ये बात बहुत बुरी लगी चाणक्य को और चाणक्य ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं इस नंद वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। और फिर आप सब इतिहास जानते हैं कि नंदवंश का समूल नष्ट उन्होंने एक चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किया। कुछ विद्वानों का मत है कि चाणक्य का नाम चाणक्य इसलिए भी पड़ा क्योंकि उनके पिता का नाम चाणी था, कहा जाता था चाणिपुत्र चाणक्य। और मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मौर्य इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी उनका नाम मुरा था। मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासनकाल पूरा करके वृद्धावस्था में जैन धर्म ग्रहण करते हैं और कर्नाटक चले जाते हैं। वहीं पर उपवास के दौरान उनकी मृत्यु होती है श्रवणबेलगोला में। आज भी वो स्थान काफी ज्यादा फेमस है और बहुत ही अच्छी दर्शनीय स्थलों में से है वो। लेकिन अभी भी चाणक्य मगध में रहते हैं और
बिंदुसार उनके सानिध्य में काम करते हैं। चाणक्य का भी लोगों से मनमुटाव होता है, विरह होता है, और एक बार उन्हें पता चलता है बिंदुसार को कि इनकी माता की हत्या चाणक्य ने की थी, और जब ये उन्हें पता चलता है तो क्रोधित हो जाते हैं और चाणक्य से पूछते हैं कि क्या ये बात सत्य है कि मेरी या माता की हत्या आपने की। उन्होंने कहा हाँ ये बात सत्य है, और फिर उन्हें निकाल दिया जाता है, राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में जब उन्हें एक दासी द्वारा असलियत का पता चलता है कि चंद्रगुप्त जिनको लगातार थोड़ी मात्रा में विष दिया जाता था ताकि कोई भी विष उन पर काम ना करे, और उनका जब खाना भोजन ये इनकी माता ने कर लिया, तब उस समय बिंदुसार उनके गर्भ में थे और इनको बचाने के लिए उनके गर्भ को फाड़ करके बिंदुसार को निकाला गया था, तब इन्हें बड़ी ग्लानि का अनुभव होता है। वो चंद्रगुप्त वो चाणक्य को बुलाने जाते हैं, लेकिन चाणक्य चूंकि बहुत ही आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे तो वो आए नहीं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जंगल में आग लगी और उसी आग में चाणक्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मेन बात हमारा चाणक्य के जीवन परिचय से नहीं है, मेन बात है हमारे उनके राजधर्म से कि क्या कहते हैं चाणक्य अपने राजधर्म में। तो ये सारी बातें मैंने जो आपसे बातें कही और चाणक्य की सारी बातें देखिए, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे कुछ गागर का ज्ञान लेने से बेहतर है कि हम इस महान सागर में उतर जाएं, और वो महान सागर कोई पुस्तक ही हो सकती है। तो चाणक्य के बारे में अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी जानना हो, तो उसके लिए कौटिल्य का राज दर्शन ये सबसे बेहतरीन किताब है। इसके लेखक हैं डॉक्टर विप्लव, और इस पुस्तक से बेहतरीन अगर आप कहीं भी खोजना चाहें कि कौटिल्य के बारे में कहीं और कुछ मिले, तो कौटिल्य के बारे में और कहीं भी इस पुस्तक से बेहतर आपको नहीं मिलेगा। इस पुस्तक में बहुत ही बारीकियों से कौटिल्य के सारी चीजों को अलग अलग कर दिया गया है कि उनके राजा के बारे में क्या कहते हैं, दान के बारे में क्या कहते हैं, मंत्री के बारे में क्या कहते हैं, आमात्य के बारे में क्या कहते हैं, सारे सबको बहुत ही अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। आप उसमें कौटिल्य की चीजों को पढ़ सकते हैं, कौटिल्य की बातों को समझ सकते हैं। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं, इस पुस्तक के ही अनुसार कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि कौटिल्य का नाम अलग अलग विद्वानों ने अपनाया और बाद के कालों में इस पुस्तक की रचना की गई। लेकिन इस पुस्तक की रचना ये पुस्तक तो एक तरह प्रकार से लुप्त प्राय हो गई थी। अगर 1909 में इसे पुनः किसी लाइब्रेरी से खोजा ना गया होता तो उससे पहले तक ये पुस्तक ही लुप्त थी। तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर चाणक्य को जानना है, चाणक्य के बारे में आपको कुछ भी व्हाट्सएप पे भी लिखना है, तो एक पुस्तक, बेहतरीन पुस्तक जो आपको पढ़नी चाहिए, और अगर ना भी लिखना है तो एक भारतीय होने के नाते, अपने इतिहास को जानने के नाते, उन महाजनपदों को पढ़ना चाहिए, मगध को पढ़ना चाहिए जो आज भारत का सिरमौर है, जो वो गौरव, जो हमारा प्राचीन गौरव है, उसे जानना चाहिए। क्योंकि एक समय जब पाश्चात्य जगत में अरस्तु धमा चौकड़ी मचा रहे थे, उस समय भारत राजनीति की पराकाष्ठा पर चाणक्य के सानिध्य में चल रहा था। हम अरस्तु को ज्यादा तवज्जो देते हैं चाणक्य की अपेक्षा, लेकिन जब आप चाणक्य को पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, भारत सच में बहुत महान था। तो भारत को महान सिर्फ कहिए ही नहीं, उसकी महानताओं को जानिए भी, और ये आप तभी जान सकते हैं जब आप कौटिल्य का राज दर्शन पढ़ेंगे चाणक्य के संदर्भ में। और इसके लेखक हैं डॉक्टर विप्लव। इन्हीं सारी बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।